लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भानु भाइयों मंगत राय लंबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भानु और भाइयों फिलहाल बैठे हम शनि शक्ति धाम में और आप देख रहे हैं मेरे सामने महंत जगदीप जी झाड़ा लगा रहे हैं। शनिवार का दिन है, शनिवार और मंगलवार को दो दिन यहाँ पर दरबार लगता है, दो दिन झाड़े लगाए जाते हैं, मंगलवार को पूछा भी देखी जाती है। और भाई बाबा के दरबार में शनि शक्ति, शनि महाराज में जो न्याय के देवता हैं, इतनी शक्तियाँ हैं यहाँ पर, हर विघ्न बाधाएं, हर बीमारी, हर व्याधि, हर संकट यहाँ पर दूर होते हैं, ऐसा भक्तजन कह रहे हैं। बाबा जी तो भाई ऐसे साधारण से इंसान की तरह मतलब बातें करते हैं, लेकिन बहुत पहुँचे हुए संत हैं। और मैं बात करूँगा, अभी ये बहन जी बैठी है, नमस्कार जी। नमस्कार। कहाँ से आए हैं आप? हिसार से। हिसार से पहली बार आए हैं? ना, तीसरी बार। क्या समस्या है? पैर में दर्द, शुगर। शुगर भी, पैर में दर्द भी? हाँ। तो कुछ फर्क पड़ा? एक फर्क है जी। कितना गए? घने फर्क पड़ रहा है। घना फर्क पड़ गया अब तो, मेरी आंगड़ी सीधी होने लगी। आंगड़ी भी सीधी होने लगी? अच्छा, ये टेढ़ी हो गई थी, मुड़ गई थी सारी? ये खाली सिकुड़ गई थी नीचे से। अच्छा अच्छा। अच्छा, भीतर से मास नुक। तो तीसरा झाड़ा आज? हाँ, तीसरा झाड़ा। तो तीसरे झाड़े में 70-80% फर्क हो गया? हाँ हाँ। अच्छा हाँ। चलो, चार झाड़े में हो जाओगे। तो यहाँ पर देखिए ऐसा नियम है, तीन झाड़े और एक अर्जी का नियम है। पुनर्वासी को नियम अर्जी लगती है हर पूर्णिमा का। जी माता जी इधर से निकल जाएगी, उधर से निकल जाएगी। 29 सितंबर की पूर्णिमा है और उस दिन बहुत महा बड़ी अर्जी लगेगी, क्योंकि उसी दिन श्राद्ध शुरू होने, श्राद्ध पक्ष शुरू होने जा रहा है। तो और भी भाई बैठे हैं, इसी बात करते हैं। राम राम भाई। राम राम। कहाँ से हैं? जोड़किया से। पहली बार आए हो? तीसरी बार। तीसरी बार। आपका क्या समस्या है? शुगर की दिक्कत है। शुगर कितनी रहा अगर है? शुगर 500-550। तो आने से कितना फर्क पड़ गया? आने से चौखा फर्क पड़ गया है। कितनी आ गई? अब लगभग 300-250 है। 250 और 300 पे आ गई। तो कड़ा फर्क पड़ गया ही तो है, कड़े 500 शुगर थी, कहाँ 250 आ गई। तो झाड़े शुगर ठीक हो जाए, मान लो आप बिल्कुल। अच्छा, तो ये चीजें भाई देखो, हम लोगों से पूछते हैं। ये भाई है, नाम क्या है आपका? बबलू नाम है। अच्छा बबलू जी, शुगर 500 कितने दिन से थी आपको? ये 4-5 साल से। 4-5 साल से। दवाइयां तो बहुत ली होंगी आपने? बहुत दवाइयां। तो देखिए, शुगर को नॉर्मल लगभग आ जाएगी, अभी तो तीन झाड़े हुए, तीसरा आएगा? तीसरा झाड़ा है। एक पूर्णिमा आएगी आगे 29 तारीख की, शुक्रवार की पूर्णिमा है, फिर शनिवार, लगातार दो दिन झाड़ा लगेगा। पूर्णिमा को महाअर्जी लग के शनिवार को फिर झाड़ा लगेगा, तो दो दिन भी यहाँ यात्री रह सकते हैं और आ सकते हैं लगातार नज़दीक के। तो शुगर को मानते हैं आपके यहाँ आने से ठीक हुई? हाँ जी। पक्का? पक्का जी। अच्छा, 250-300 शुगर है? रोज नाप ले? हो गए रोज नाप ले। अच्छा, बहुत अच्छी बात। तो वास्तव में शनि शक्ति में इतनी धाम में शक्ति है? इतनी शक्ति है जी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये और बहन जी इससे बात कराएंगे एक बार भाई, हम आज सारे आड़े बैठे बैठे बात करवाएंगे सारे की, आज आते जाएंगे नंबर वाइज और हम बात करवाएंगे। लाइन लगी हुई है झाड़ा लगवाने लगे कि इधर कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, लंबी लाइन लगी हुई है। और बाहर ऊपर मंदिर में हमारे सिर के ऊपर सही शनि शक्ति धाम है, शनि जी का मंदिर है। और हम फिलहाल बैठे हैं देवियों की नौ देवियाँ जो हैं यहाँ पर विराजमान हैं, इन्हीं के दरबार में बैठे। कहाँ से हैं जी? रोहतक से। रोहतक से। पहली बार आए हो? ना, दूसरी बार। दूसरी बार। क्या समस्या है आपके? जी थायराइड झाड़ा लगवाना, हर गोड्डे में दर्द है। थायराइड है और गोड्डे में दर्द? कितने दिन तक जी? कई साल तक। कई साल तक। अच्छा, तो उरे पहला झाड़ा लगवाने तक फर्क पड़ा? हाँ जी, गोड्डा में तो आराम आ जाए, थायराइड का टेस्ट नहीं करवा अभी। थायराइड का टेस्ट कौन करा? गोड्डा में आराम हो गया? हाँ, एक झाड़े में। हाँ, आज दूसरा झाड़ा? हाँ, दूसरा झाड़ा। हाँ, तो एक में आराम हो गया, आज अलग आती पता लगेगा। हाँ, अभी लगवाया है दूसरा? हाँ, तो एक झाड़े में गोड्डा में ठीक हो गया? ना, बिल्कुल तो नहीं हुआ है। बिल्कुल तो नहीं, मतलब 80-90% थोड़ा थोड़ा हाँ फर्क। चलो ठीक है, थायराइड चेक करवाए, बहुत बढ़िया जी। और भी बैठे भाई और बात करवा दें आपकी। राम राम भाई। राम राम भाई। कहाँ से? रोहतक। आप भी रोहतक के साथ है क्या? हाँ। अच्छा, आपका क्या समस्या है? मेरे एलर्जी है जी। एलर्जी? हाँ। किस तरह घराली तो है मारत से? ना, था गया, सिमटते जी। अच्छा, सिमटते है। चेजी का काम करे अगर हो? हाँ, चेजी का मिस्त्री है। हाँ। अच्छा अच्छा, तो यहाँ दूसरा झाड़ा आज? हाँ, दूसरा झाड़ा है। क्यों फर्क पड़ा? सूखी सूखी तो लग गया कि में? सूख गई थी आई, दूसरे झाड़े में भी आज सुबह हो गई थी इतनी। अच्छा, ना तो यह सारी पस था इसके ऊपर? हाँ, मुरझाएगी सारी, मुरझाएगी ना। हाँ, पहले झाड़े में? पहले में। तो यार शक्ति मानो, इस शक्ति, इस शक्ति से मुरझाई है। देखिए भाई, सूख गई बिल्कुल, और ये अंदर बीच में थोड़े थोड़े जख्म दिखाई दे रहे हैं। हाँ, या कति आराम हो जाएगा, तीन चार झाड़े। हाँ, तो दूसरा झाड़ा है, पहले झाड़े में इतना आराम हो गया, चार झाड़े में तो ठीक हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, तो तीन झाड़े और एक अर्जी का नियम है यहाँ शनि शक्ति धाम में। तो देख लो भाई, ये ताकत है शनि शक्ति धाम के झाड़े में, यार कुछ नहीं लिया जाता, एक पैसा। कितने रुपये चढ़ाए हैं भाई? कितने रुपये दिए बाबा ने?
कोई चढ़ाई को कुछ कुछ नहीं, कोई मांग नहीं, कोई चढ़ाई नहीं, अपनी श्रद्धा सम्मान जो कुछ वो दे। वो तो ले भाई 5-10 रुपये जो भी हम मंदिर में जाते हैं वो तो देते हैं, वो तो अलग चीज़ है। चलो बहुत बढ़िया। और बहन जी तो पूछाएंगे। राम राम जी। हाँ जी, आप कहाँ से? मैं जी हांसी से। हाँ जी, हांसी से। हाँ जी, आपको क्या समस्या है? मेरे जीव पैर मंगलवार को आई थी, बहुत ज्यादा दर्द था। बहुत ज्यादा दर्द था इसमें। दर्द था? हाँ बहुत ज्यादा। कितना ज्यादा था? मतलब हाँ, मतलब कुड़िया करता मुड़ा नहीं, यो मुड़ अच्छा। हाँ, ये इतना मुड़ भी लग गया, मुड़ भी लग गया एक जाड़े में। हाँ, दर्द भी कम है। दर्द भी कम। जमा नूर तो अभी नहीं होया है, बाकी बहुत आराम है, बहुत बड़ा आराम। हाँ अच्छा। हाँ तो ये देख लो भाई, यहाँ पर कोई आपा धापी नहीं, कोई धक्का पेली नहीं, शांति से बैठे हैं, सभी आते जाएंगे, अपने आप लाइन में लगते जाएंगे, कोई किसी को नहीं कहता। या कोई सेवक खड़ा दिखता हो आपने लाइन लगवानी, कोई धक्का पेल करवाया ना, कुछ नहीं है। यहाँ आते जाएं, अपनी लाइन में बैठते जाएं, शांतिपूर्वक झाड़ा लगाए, यहाँ आने से शांति मिलती है, ऐसा सभी कहते हैं। मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को। इस धाम के अंदर पैर रखते ही शांति अनुभव होती है आदमी को, ऐसा इस धाम में कुछ शक्तियाँ हैं। तो बहन जी नाम क्या आपका? कमलेश। कमलेश, चलो धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आइए उधर आइए आप भाई। एक और भाई आ रहे हैं, झाड़ा लगवाया है आपने? जी कहाँ से हैं सर? मैं करनाल से। करनाल से पहली बार है? नहीं, मेरे वह चौथी बार। चौथी बार आए। समस्या क्या? व्यापार की थी, वो व्यापार अच्छा चल रहा है, पहले स्लो चल रहा था। व्यापार चल पड़ा आपका? हाँ जी, अच्छे से, बढ़िया जी। पहली अर्जी लगाते ही अर्जी लग चुकी है पूर्णिमा की? नहीं, वो अब लगेगी। अब लगेगी अर्जी? लगी भी नहीं है। तीसरी बार आए हैं आप आज? चौथी बार। चौथी बार आए हैं। व्यापार में सही चल पड़ा व्यापार? बिल्कुल। कितनी साल से ठप हो रहा था व्यापार? एक साल हो गया था। एक साल हो गया था, बिल्कुल ठप हो रहा था। अरे मालिक की दास है बाबा, सनी देव ने सही कर दिया। सही कर दिया। अच्छा, तो इन शक्तियों को मानते हैं आप? पढ़े लिखे हो गए? मानते हैं जी। मानते हैं? हाँ जी। इनको काफी पढ़े लिखे थे, कहा अगर फंड है गणे के, बोला कुछ को नहीं, बाबे के को माता नहीं, कुछ नहीं होता, ये लोग कहे या सच है? कहा पढ़ी भी दूर देखो आखी है सच है? जी, अपने ऊपर पड़ेगी फिर अपना मानने लग जाएंगे। बिल्कुल, बोला उस वाली बात से बदलू भी नहीं मानना था, लागी मानना है, सिर में लागी मानना है, कौन मान दे कोई भी। सही है, बिल्कुल सही बात आपकी, धन्यवाद भाई। एक छोटा बच्चा भी है, इसके के तकलीफ बेटा? कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से? अरे अरे अरे, इधर आइए बिहार से। बिहार से क्या नाम है आपका? आदित्य। आदित्य, कब आए थे आप यहाँ? 8 बजे सुबह। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। और ये मम्मी है आपकी? वो पापा हैं? पहली बार आए हैं? नहीं, तीसरी बार है। तीसरी बार आए बिहार से, क्या बात है। अब तो रम गए, अब तो यहाँ के हो गए आप जी। सनी शक्ति धाम के हो गए जी, जी जी जी। तो आप बताएं कि आपके यहाँ आने से कोई समस्या लेके आए थे या कोई बीमारी? जी, बीमारी थी, मुझे नस की प्रॉब्लम थी और सफ़ेद दाग हो रखा है। अच्छा, तो अभी नस का प्रॉब्लम का मतलब वो बीमारी ठीक हो गया। अच्छा। अभी सफ़ेद दाग जो है ना उसकी समस्या है। वो तो चलो धीरे धीरे जाएंगे, चमड़ी का तो वो चर्म रोग है भाई। हाँ, लेकिन नस की प्रॉब्लम ठीक हो गई आप? जी जी बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा? हो गए। दो झाड़ियों में तीसरा है आज? हाँ जी, तीसरा है। हर हफ्ते आते हो आप? नहीं, या 15 दिन में भी? 15 दिन, महीना भी हो जाता है। महीना भी हो जाता है जी। चलो, अब की बार पूर्णिमा को आएंगे क्या? अब पूर्णिमा की अर्जी नहीं लगी? आएंगे इस बार। आएंगे। आप काम के सर्विस करते हैं सर? जी। किस चीज में सर्विस करते? आर्मी में। आर्मी में? आर्मी में जी। अच्छा, ये आर्मी वाले नहीं लुगाई बुढ़ा ले मेरे ख्याल जिद आओ आप, क्यों फौजिया ने बुढ़ा ले हैं लुगाई? जी जी, मानना है फौजी आदमी भाई, बाबा में शक्ति है, माता जो भी है शक्तियाँ मानते हैं? मानते हैं, मानते हैं जी, मानते हैं, मानते हैं, मानते हैं। तो अभी जो आपकी पत्नी कह रही है कि मेरी नसों का दर्द ठीक हो गया, क्या वास्तव में सच है? जी, नस वाला प्रॉब्लम ठीक हो गया अभी। अच्छा। और सफेद वाला? आपको भी कोई समस्या थी क्या? नहीं, इन्हीं को मैं लेकर आता हूँ, बच्चे और इनको। भाई सबसे बड़ी समस्या तो घर वाली हो, यह ठीक है तो सारा घर ठीक है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है अभी, सब बढ़िया है जी। धन्यवाद, शुक्रिया। नाम क्या आपका? रंजीत सिंह। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या फोन नंबर बता सकते हैं आप? सर्विस करते हैं फिर, रहने दें आप, हाँ लोग तंग कर लेंगे आपको, नौकरी नहीं करने देंगे, ड्यूटी नहीं करने देंगे। चलो मैं और बात कराऊं भाई, ठाली बैठे बैठे के करा, हम सर के लिए आइए तो भाई, धीरे धीरे सर के हम बात कर लेते हैं। इधर आ जा भाई, कैमरा मैन बैठ। राम राम भाई। राम राम जी। राम राम। कहाँ से? हम बहादुरगढ़ साइड से भाई। बहादुरगढ़ की साइड तो गणे गाँव है, कोई गाँव भी होगा? गाँव सापुर। सापला? सापुर सापुर सापुर। अच्छा अच्छा,
तो यहाँ कब से आ रहे हैं? तीसरी बार आए। समस्या क्या बेटा? समस्या तो कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई में ठीक चले, बस झाड़ा लगवाने, नौकरी का जुगाड़ बन गया। अर्जी लगाई भाई, पढ़ाई लिखाई में पास हो जाओ, अच्छे नंबर आते, नौकरी का जुगाड़ बढ़ जाए बस है। क्योंकि मेरे की मांगना है बाबा, फिर थोड़ा क्यों मांगा? जो भगवान से मांग रहे थे थोड़ा क्यों मांगे भाई, पूरा मांगे। तो कैसा लगा है, आप पढ़े लिखे हैं, दरबार में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जो आपने ये बात कही ना कि पैर टेकते शांति मिलती है, बिल्कुल सच बात है। सच है? बिल्कुल सच, बिल्कुल। तो अभी जो माइंड सेट होता है कि जैसे आप जाके पढ़ते हो आप और कहीं बैठते हो तो दिमाग में शांति मिलती है? हाँ, बहुत शांति मिलती है। अच्छा। एक बार जरूर आओ शनिधाम पे। जी हाँ हाँ। तो देखिए भाई, ये छोटा भाई कह रहे हैं कि एक बार तो जरूर आओ, चाहे व्याधि हो चाहे ना हो, सुख शांति में भी आओ एक बार। हाँ जी बिल्कुल। एक बार आओगे तो यहीं के हो जाओगे, मुझे पता है इस चीज़ का, क्योंकि मैं शनिवार का इंतजार करता रहा, शनिवार जल्दी, शनिवार हफ्ते में दो तीन आने चाहिए, क्योंकि मैं कहीं भी जाना भूल सकता हूँ लेकिन यहाँ आना नहीं भूलता। रात को भी सोचता हूँ चल उठ के रात को 12 बजे चल शनिधाम में चलते हैं। हाँ जी हाँ जी। ऐसा अनुभव। ये देख लो भाई, इधर मूछे वाले खड़े हैं, ऊपर दिखाना एक बार, ये खड़े मूछे वाले दाऊ, खेती बाड़ी सारा काम करेगा, सारे दिन काम करके फिर भी आप पहुँच जाएंगे। उधर एक बुजुर्ग बैठे हैं हमारे, वो बैठे हर मतलब शनिवार को आपको मिलते हैं, शनिवार मंगलवार को, वैसे भी सेवा में लगे हुए बड़े बुजुर्ग, इनका यहाँ पर ऐसा दिल लग चुका है कि यहीं के हो चुके हैं एक किस्म से। सही बात कहूँ कि झूठ कहूँ? अपना तो सब कुछ दे दिया ये बोल के। बाबा ने तो भाई सब की में दे दिया, सारे छोरे लुआ दिए, सारे छोरे मैंने तो ये मैं तो शादी की अर्ज लगाई थी पिछले शनिवार को, पिछले शनिवार ने। अरे माँ बाबा ने नौकरी दे दी, सब कुछ कर दिया यार, कल आ गए। कल आ गए? शनिवार आने भी कौन दिया, शुक्रवार नहीं आ गए, शुक्रवार नहीं आ गए। दोनों लड़के सर्विस लगवा दिए भाई, यहाँ पर अर्जी लगाई, अगले महीने के अंदर अंदर दोनों सर्विस, एक ही महीने में दोनों, एक ही महीने में दोनों सर्विस, नौकरी लग गई सरकारी। हाँ। और ईब नु का पिछले शनिवार ने लगाई थी, नौकरी तो लग गई, ब्याह आ जुगाड़ कर दे, कल ले आगे रिश्ता ले आगे कर दिया अपना, खड़ा दिन से तेरा बाबा कंधे बैठे, कंधे 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 बैठे। चलो और खातर भी प्रार्थना करो इस द्वारे, यो कौन खुआवे, यो सारे काम पोता हो दिन खुआओगा, ब्याह भी गोदम करके लिया हो गया, देख लिए घना टट पूंजी से। नमस्कार सर। नमस्कार। आप कहाँ से सर? भाई पोते के साथ। अच्छा, पोता आपका ये? हाँ जी। क्या बात है, क्या लागत को लागत बेटा है, आप क्यों भगवान की दात है, यंग लग रहे हैं आप भी, बहुत अच्छी बात है। नाम क्या आपका? प्रताप सिंह। अच्छा, आपको कोई समस्या थी? मेरे तो हाथ की स्टैंडर्ड ले हुए हैं, हम तो इसी के लिए आते हैं। अच्छा अच्छा, बस। तो कैसा लगता है यहाँ पर आने है? बहुत अच्छा लगता है, हम तो सोचते हैं हम इधर ही रह जाएं। अच्छा लगता है, दाम है सच्चा, सच्ची है, शक्तियाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो बैठ जा, कहे दिखे है, दिखे दूर के बीच में टपाएगा नहीं रे। हाँ, एक और बैठे भाई साहब, इनसे और बात कर लें, आप भी सारे। अच्छा, तीन पीढ़ी आ रही हैं। अच्छा, वो दादी है, दादी से बात करें, वो बताओ कि साथ ली तभी झूठ बोलवा दे। नमस्कार जी। पहली बार अंकल जी। पहली बार कहाँ से? हिसार से। हिसार से अर्जी लेके आए, कोई तकलीफ है क्या? तकलीफ है। क्या समस्या? तक बीमार रहूँ 24 घंटा। 24 घंटे? अच्छा, कितने दिन से? कई साल ही हो गए। कई साल हो गए? अच्छा, दवाइयाँ वगैरह नहीं लगती? दवाइयाँ नहीं लगती, नहीं लगती। चलो बहुत बढ़िया भाई, करो भगवान आपको जल्द स्वस्थ करे, प्रार्थना करते हैं हम शनिदेव महाराज से। हाँ भाई, तेरी खड़ी खड़ी की ड्यूटी लग रही है, कहाँ से हैं आप? बिटिया के लेके आए हैं? अच्छा, राम राम। रानी से? अच्छा, अपने से थी है के? अच्छा अच्छा, कहाँ से हैं आप? काबरेल से। काबरेल से? अच्छा, इसको क्या समस्या है? पेट में दिक्कत है जी। पेट में दिक्कत, कितने दिन से? चार पाँच दिन हो गए। इबे हो जाएगा तो ठीक, झाड़ा लगा दी, चार पाँच दिन वाली दिक्कत। तो ये हमारे भाई वैद्य जी हैं, डॉक्टर साहब, हमारे गांव के नज़दीक डाणी मिरान से, बहुत पुराने डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, आरएमपी हैं, और बहुत अच्छे इंसानों में से हैं। सब तो पीछे बैठे हैं, गर्दन का लगा रखा है पट्टा, लोगन ठीक कराया करते, ये खुद स्वयं बीमार हो रहे हैं, क्या हो रहा है, बैठ के बना ले बेटा, थोड़ा इधर से आ जा, नहीं तो उधर से आ जा, इधर से लाइट पड़ रही होगी सामने गेट की। हाँ बस यहाँ से बना ले। हाँ बस ऐसे अलामा साहब है। हाँ जी, समस्या क्या है? कम से कम एक साल हो गए हैं, बीपी प्रॉब्लम हो गई और सर्वाइकल हो गया। अच्छा। हाँ, और एक गोली लेता हूँ उतना ठीक रहे। हाँ। पटाना है, बांधा दर्द हो जाए, ये तो है ही।
ये तो आपने तो डॉक्टर आपको तो पता है अंग्रेजी दवाई ले इतने तो ठीक से भाई, परमानेंट तो इलाज है ही नहीं। तो मैं आदमपुर ब्यार गया हूँ, कल आदमपुर वाला ने बताया ऐसे ऐसे सीसवाड़ में, मेरे को पता नहीं। तो अब मेरे चलन नहीं देखते, कमाल है। मत यो और तो देखता हूँ परंतु इसमें नहीं आया आपका। अच्छा, नाम अच्छा, को नहीं आया। अच्छा, देखता हूँ आपका चैनल। अच्छा, चलो पहली बार आए हो आज? पहली बार। अच्छा, ससुराल वाला ने भेजा है भाई, जा एक बार। एक बार जा, बट ये वाली चिंता ससुराल वाला ने राला तो ही को। चलो कोई तो चिंता करे है, इस बात का तो पता चले कोई तो चिंता करता है, इसमें कोई शक नहीं। चलो लगवाओ झाड़ा और देखिए करामात, फिर आपसे बात करेंगे अगले शनिवार को या पुनर्वासी को। जरूर, ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया। इधर आ, इधर से बेटा, आड़े आड़े कोई खड़ी रहे, लगवा देते हैं झाड़ा तेरे। राम राम भाई। राम राम बेटा। सापर गोपनिया लोग है। गोपनिया लोग। हाँ, तो आप भी दोबारा आए हो कि दूसरी बार आए? तीसरी बार इनने की गेल सुबह। इनने की गेल। हाँ। अच्छा अच्छा, गोड्डे में दर्द तेरा? ये बार आराम से। आराम से। हाँ, गोड्डे झाड़ा लाना। हाँ, सच्ची फर्क है? सच्ची फर्क है। अच्छा, पहले नीचे कौन बैठा जाया करता? नीचे भी लाले कम बैठा था, समझान की ना बैठती, कदे ज्यादा हो जाना। कोनी हो हिम्मत करे अगर बैठन बैठन की नहीं हो सके या डरा है ना भी, जो डर लिखना तो मैं कह रहे बैठ की तो देख ले कम तक। पहले चल ले ना जाया करता, ई भांड फिर ले उसको। हां, हांड आकर खूब पैदल चल लिया कर, उठे बैठे कर उकड़ू बैठने की कोशिश करया कर, डरया ना कर। यो डर दर्द दर्द से नहीं, तो होना से वो होना है। हां, भगवान करेगा ठीक, वैसे श्रद्धा होनी चाहिए। जाइए इनने जी। ले भाई एक ये और से दोबारा आई, तीसरी बार आई है, पूछते हैं। नमस्कार भाई जी। नमस्ते। कहाँ से हैं? हिसार से। पहली बार आई है? दूसरा दोबारा है। क्या समस्या है? मेरे कमर में, गोड्डे में, पैर में जाम हो रही है। आप तो बिल्कुल जमा जमा बैठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता जी। अच्छा, कितनी साल होगी? कमर में तो कई साल था जी, घुटने में ही साल सा, एक साल सा। तो दूसरा झाड़ा है आज? एक झाड़ में क्यों फर्क पड़ गया कि मटनी चोनी पर? ये लोग तो मेरे तो गोड्डे में सूजन ज्यादा ही हो रही है। ज्यादा सूजन हो रही है। हां, ठीक है ठीक है। चलो दूसरा झाड़ा है, देखते हैं, फिर मिलते हैं पुनर्वासी को। आपसे फिर भगवान जल्दी करेगा ठीक आपको। एक बार भगत जी से बात करवा देता हूं, आपकी विशेष अर्जी लगने जा रही है पूर्णिमा को, और पूर्णिमा की अर्जी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस दिन लगाई गई अर्जी कभी खाली नहीं जाती, पूरी श्रद्धा से शनिदेव को और बालाजी को दो अर्जियां लगाओ। बालाजी की 41 फुट ऊंची प्रतिमा है, वहां पर लगाओ, और शनि देव के काले झंडे में, उसमें ध्वजा में और उनकी लाल ध्वजा में दोनों अर्जी लगाओ, और पूर्ण श्रद्धा से समर्पित भाव से लगाओ कि बाबा मेरा ये कार्य है आपके हाथ में है, हम पापी लोगों का पाप अपराध माफ करके हमारा कार्य सिद्ध करें, तो अवश्य पूर्ण होता कार्य। और ऐसा भाई जितने भी लाखों लोग आते हैं सभी से पूछता हूँ मैं। तो इधर आइए थोड़ा सर, इधर बैठिए, आपको थोड़े सी इधर बैठ जाइए, दो मिनट में बात कर लेता हूँ आपकी, दो मिनट कीमती ले रहा हूँ सभी की, माफ़ी चाहता हूँ जी। जय गुरुदेव। जय शनिदेव। जय शनि जी। महाराज जी, तो पूर्णिमा ये कितनी तारीख की पड़ेगी? 29 सितंबर 2023 शुक्रवार को पूर्णिमा है। देखिए 29 सितंबर 2023 वार शुक्रवार को पूर्णिमा है। देखिए शनि शक्ति धाम से इस वाल में तीन झाड़े और एक अर्जी का विशेष महत्व है। देखिए तीन झाड़े और एक अर्जी लगानी पड़ती है, बिस्तर इस तरह मैंने तीन झाड़े लगवाए हैं भगवान। इसके निमित्त उसको हर पूर्णिमा को एक विशेष अर्जी अरदास लगानी पड़ती है कि मेरे ये जो काम किया है मैंने, यहाँ धाम में आया हूँ दो बार तीन बार, ये मेरे झाड़े फलित हो या मेरा ये कार्य सफल हो, इसके निमित्त एक अर्जी का विशेष नियम है। आने वाली 29 तारीख को शुक्रवार के दिन पूर्णिमा है, तो मैं सभी भक्तों से अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और अर्जी या अरदास लगाएं ताकि उनके सभी कार्य सभी मनोरथ पूरे हो सके। जी धन्यवाद। और भाई आगे श्राद्ध शुरू हो जाएंगे, पूर्णिमा से ही श्राद्ध शुरू है, पूर्णिमा का ही पहला श्राद्ध है। पूर्णिमा का पहला श्राद्ध शुरू है, उसके बाद इस दिन कहते हैं कि भाई ये पूर्णिमा और ये पूरे श्राद्ध जो होते हैं हमारे दान धर्म पुण्य के होते हैं, बुजुर्गों को, पूर्वजों को, हमारे पितरों को याद करने की ये जो 15 दिन होते हैं, और इसके तुरंत बाद शुरू होंगे नौरते, और नौरतों में यहाँ पर लगेगी बिल्कुल अखंड ज्योत। उसके बारे में अगली वीडियो में देखिए, पूरी व्यवस्था बताई जाएगी आपको कैसे आप अखंड ज्योत जलवा सकते हैं दूर बैठे भी, और हर मनोकामना अपने घर बैठे पूर्ण करवा सकते हैं। ये कोई बॉम्बे है, कोई बंगलोर है, कोई कलकत्ता है, तो देखते रहें लोक प्रसार हरियाणा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ये भाई आपको रास्ता बता देता हूँ, हिसार के बस स्टैंड पे 12 नंबर बूथ पे बस लगती है, बगड़ा भादरा वाली, उस बस में बैठिए और काबरेल गाँव है वहाँ पर उतरिए, काबरेल से 1 किलोमीटर सीसवाड़ रोड पर, सीसवाड़
और काबरेल के बीच में धाम बना हुआ शनि शक्ति धाम, बहुत बड़ा धाम है, पूरा विख्यात है, कहीं भी पूछेंगे आपको बता दिया जाएगा। लोकेशन आप ले सकते हैं, दूर से आ रहे हैं गाड़ी से आ रहे हैं तो लोकेशन ले सकते हैं, नीचे फ़ोन नंबर चल रहे हैं, इन पर संपर्क करके भगत जी से बात कर सकते हैं। वीडियो को जो थोड़ा शेयर कर दे भैया, मेरी प्रार्थना है, विशेष प्रार्थना है, ताकि और भी बहुत दुनिया दुखी है, किसी दुखी व्यक्ति के पास पहुँचे और उसका हल हो जाए समस्या, तो भाई इससे बड़ा भला आपका कोई नहीं होगा। धन्यवाद, जय हिंद।